दिवाली इज लाइक द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, रिन्यूअल एंड अट्रैक्टिंग पॉजिटिव एनर्जी इन टू अवर लाइव्स। हमारी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा समय। और इस शुभ अवसर के दौरान आप अपनी इंटेंशन की पावर को यूज करके अपने आप को यूनिवर्स के अबंडेंस के फ्लो के साथ अलाइन कर सकते हैं। यह गाइडेड मेडिटेशन पावरफुल मनी एफर्मेशंस के साथ आपको फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी मैनिफेस्ट करने में मदद करेगी। इस ध्यान को आप खुले हाथों से मनी और अबंडेंस को अपने जीवन में एंटर करने के लिए कर रहे हैं। सो आप चाहे बैठे हों या लेटे हों, स्पाइन स्ट्रेट एंड शोल्डर्स अपराइट, कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। पूरे विश्वास के साथ इस मेडिटेशन को करें, बिलीव करें इसके ऊपर एंड सी द मिरेकल्स इन योर लाइफ। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे अपनी सांसों को गहरा करें, लाइक डीप ब्रीदिंग। और जब आप सांस लेते हैं, एनवायरनमेंट में जो फ्रेशनेस है, जो ताजी हवा है, उसको इनहेल करें। और जब आप एक्सहेल करते हैं, जब आप सांस छोड़ते हैं, तो ये विजुलाइज करें कि आपके अंदर अगर वो किसी भी तरह की नेगेटिविटी, हैवीनेस, टेंशन, तनाव, टाइटनेस अगर है, तो उसे सांस छोड़ते समय बाहर निकाल दें। कीप डूइंग इट। अब हम धीरे धीरे एक न्यूट्रल स्टेट में आना शुरू करेंगे। विजुलाइज करें कि यूनिवर्स से आपकी ओर एक गोल्डन लाइट आ रही है और ये गोल्डन लाइट मनी की लाइट है, ब्लेसिंग्स की लाइट है। और ये लाइट आकर आपके सर के ऊपर घूमने लगती है। विजुलाइज दिस लाइट मूविंग ओवर योर हेड। एंड कीप ब्रीदिंग। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे जैसे आप फ्रेशनेस को इनहेल कर रहे हैं अपनी बॉडी से, इन नेगेटिविटी, टेंशन, हैवीनेस, टाइटनेस को रिलीज करते रहें। जब आप इनहेल करते हैं तो इस ब्रीथ को डाइवर्ट करें अपने सर की ओर और फील करें कि वहाँ पर आपको किसी तरह की कोई टेंशन या नेगेटिविटी फील होती है, और अगर हाँ तो एक्सहेल करते हुए उसको बाहर निकाल दें।
अपने सर के पीछे, इनहेल एंड एक्सहेल, अपने फेस पर किसी भी तरह की टाइटनेस को रिलीज करें, एक्सहेल करते रहें, नेक, शोल्डर्स, आर्म्स, एल्बोज, रिस्ट्स, फिंगर्स एंड पाम्स ऑफ योर हैंड्स। योर चेस्ट एरिया, लंग्स, इंटेस्टाइन, लिवर एंड स्प्लीन, जॉइंट्स जो आपके पैरों को और आपके बॉडी को कनेक्ट कर रहे हैं, एंड देन बैक ऑफ योर स्पाइन। रिलीज द हैवीनेस, टेंशन, नेगेटिविटी। लोअर बैक, बट एरिया, किडनी एरिया, थाइज, नीज, काफ्स, एंकल्स, फिंगर्स एंड द सोल्स ऑफ योर फीट। अपने पैरों के सोल्स पर। और अब आप पूरी तरह से एक न्यूट्रल स्टेट में हैं। एक बार फिर से एक गहरी सांस के साथ अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करें, और कहीं पर भी किसी तरह की कोई हैवीनेस या टेंशन बची हो तो उसको रिलीज करो। जो लाइट आपके सर के ऊपर घूम रही है, यह लाइट रिप्रेजेंट करती है वेल्थ की एनर्जी को, अबंडेंस की एनर्जी को, और यह लाइट पूरी तरह से शाइन कर रही है। इट्स शाइनिंग ब्राइटली। अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर करके इस लाइट को होल्ड करें और इसको अपनी बॉडी के अंदर इंटीग्रेट कर लें। होल्ड दिस लाइट और उसको धीरे धीरे अपनी बॉडी के अंदर इंटीग्रेट करना शुरू करें। और जब आप इस लाइट को अपने अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो विजुलाइज करें कि यह आपको पूरी तरह से एनलाइटन कर रही है। आप अपने आप को पूरी तरह से गोल्डन लाइट में देखें। यू आर कंप्लीटली सराउंडेड विद दिस गोल्डन लाइट। फील द वाइब्रेशंस ऑफ दिस लाइट। और इस समय जब आप इस लाइट के अंदर हैं, यू आर इन द रिसीविंग मोड फॉर मनी, अबंडेंस, वेल्थ। और इस समय आप अपने आप को एक इंटेंशन दें कि आप अपने जीवन में फाइनेंशियल अबंडेंस को इनवाइट कर रहे हैं। मनी से रिलेटेड आपके क्या गोल्स हैं, क्या ड्रीम्स हैं, उनकी कल्पना करें। जो आप चाहते हैं, जैसे कि मैं पूरी तरह से फाइनेंशियली सिक्योर्ड हूँ, या अपॉर्चुनिटीज मेरी ओर आ रही हैं, प्रॉस्पेरिटी मेरी लाइफ में पूरी तरह से आ चुकी है, और अब हम कुछ एफर्मेशंस बोलेंगे। और जब आप वो एफर्मेशंस बोलेंगे तो उनको विजुलाइज करें और देखें कि वो सच में हो रहा है। ये है, जब आप ये एफर्मेशंस बोलेंगे तो आपकी एनर्जी वाइब्रेशंस जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाएंगी, एंड यू विल बी कमिंग
इन अ रिसेप्टिव मोड, आप एक रिसेप्टिव मोड में होंगे। पहली एफर्मेशन आपको बोलनी है, आई एम अ मैग्नेट फॉर फाइनेंशियल अबेंडेंस। मैं फाइनेंशियल अबेंडेंस की एक चुंबक हूं और मनी मेरी ओर एफर्टलेसली और अबेंडेंटली फ्लो हो रहा है। मनी फ्लोस टू मी एफर्टलेसली एंड अबेंडेंटली। एक बार फिर से, आई एम अ मैग्नेट फॉर फाइनेंशियल अबेंडेंस। मनी फ्लोस टू मी एफर्टलेसली एंड अबेंडेंटली। मैं फाइनेंशियल अबेंडेंस की एक चुंबक हूँ और मनी मेरी तरफ बिना एफर्ट्स के और अबेंडेंटली प्रचुरता में बह रहा है। दूसरी एफर्मेशन, आई रिलीज ऑल लिमिटिंग बिलीव्स अबाउट मनी एंड ओपन माई सेल्फ टू द लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज ऑफ द यूनिवर्स। आप चाहें तो अपने हाथों को खोल सकते हैं, जैसे कि आप एक रिसीविंग मोड में हैं और आप यूनिवर्स को अपना मैसेज भेज रहे हैं, आई रिलीज ऑल लिमिटिंग बिलीव्स अबाउट मनी एंड ओपन माई सेल्फ टू द लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज ऑफ द यूनिवर्स। मैं मनी से रिलेटेड जो भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनको रिलीज करता हूँ और अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज को अपनी ओर आकर्षित करता हूं जो कि यूनिवर्स से आ रही है। एक बार फिर से, मनी से रिलेटेड जो भी मेरे लिमिटिंग बिलीव्स हैं मैं उनको रिलीज करता हूं और अपने आप को अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज को रिसीव करने के लिए ओपन करता हूं जो अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स से आ रही हैं। तीसरी एफर्मेशन, आई एम वर्दी ऑफ ऑल द वेल्थ एंड सक्सेस दैट कम्स माय वे एंड आई डिजर्व फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी। एक बार फिर, आई एम वर्दी ऑफ ऑल द वेल्थ एंड सक्सेस दैट कम्स माय वे आई डिजर्व फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी। मैं वेल्थ और सक्सेस के लिए पूरी तरह से वर्दी हूं जो कि मेरे लिए आ रही है और मैं इस फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी को डिजर्व करता हूं। जो भी वेल्थ और सक्सेस मेरी ओर आ रही हैं मैं उनके लिए वर्दी हूं और इस फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी को मैं डिजर्व करता हूं। चौथी एफर्मेशन, एवरी मनी आई स्पेंड कम्स बैक टू मी मल्टीप्लाइड क्रिएटिंग अ कंटिन्यूस साइकिल ऑफ अबंडेंस इन माय लाइफ। वन मोर टाइम, एवरी मनी आई स्पेंड कम्स बैक टू मी मल्टीप्लाइड क्रिएटिंग अ कंटिन्यूस साइकिल ऑफ अबंडेंस इन माय लाइफ। जो भी पैसा मैं खर्च करता हूँ वो मेरी ओर वापस आ जाता है कई गुना बढ़ के और ऐसे ही कई साइकिल अबंडेंस के मेरी लाइफ में क्रिएट हो रहे हैं। जो भी मनी मैं स्पेंड करता हूँ मेरे पास वापस आ जाता है मल्टीप्लाई होकर, ऐसे ही कई अबंडेंस के साइकिल मैं अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहा हूँ। I am financially free and money comes to me from expected and unexpected sources. I am financially free and money comes to me from expected and unexpected sources. मैं financially free हूँ
और पैसा मेरी ओर एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से आ रहा है। मैं पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री हूँ और पैसा मेरी ओर एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से आ रहा है। एक लास्ट अफर्मेशन, आई एम अ पावरफुल क्रिएटर, आई अट्रैक्ट वेल्थ नेचुरली, एफर्टलेसली एंड कंसिस्टेंटली। वन मोर टाइम, आई एम अ पावरफुल क्रिएटर, आई अट्रैक्ट वेल्थ नेचुरली, एफर्टलेसली एंड कंसिस्टेंटली। मैं एक पावरफुल क्रिएटर हूं और मैं वेल्थ को अपनी ओर आकर्षित करता हूं नेचुरली, बिना किसी एफर्ट के और कंसिस्टेंटली। मैं एक पावरफुल क्रिएटर हूं और मनी को, प्रॉस्पेरिटी को, वेल्थ को मैं अपनी ओर एफर्टलेसली और कंसिस्टेंटली अट्रैक्ट कर रहा हूं नेचुरली। फील दिस एफर्मेशंस। फील डीप ग्रैटिट्यूड फॉर द अबंडेंस दैट इज कमिंग इनटू योर लाइफ। जो ग्रैटिट्यूड, जो अबंडेंस आपकी ओर आ रहा है, उसके लिए अपनी तरफ से डीप ग्रैटिट्यूड शो करें। और जो पैसा आपके पास है, जो मनी आपके पास है, उसके लिए थैंकफुल फील करें। जो अपॉर्चुनिटीज आपकी ओर आ रही हैं, उनके लिए थैंकफुल फील करें। जो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आपकी ओर आ रही हैं, उनके लिए थैंकफुल फील करें। अपनी लाइफ को पूरी तरह से अनलिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज से भरा हुआ देखें। जो लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हैं, उसको देखें कि आप वो जी रहे हैं। और जब आप उनको जी रहे हैं, तो क्या इमोशंस आप फील करते हैं, उन इमोशंस को फील करें। किसी ने मुझसे पूछा कि मैं अपनी वाइब्रेशंस को कैसे रेज करूं ताकि मैं एक रिसीविंग मोड में आ जाऊं। तो मेरा जवाब उनके लिए यह था कि उस समय आपकी वाइब्रेशंस क्या होंगी जब वो मैनिफेस्ट कर लेंगे, वही आपकी वाइब्रेशंस है। सो बी इन दोज वाइब्रेशंस। क्या इमोशंस हैं, और ये पॉजिटिव इंटेंशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको यूनिवर्स में भेजनी है एक कृतज्ञता के साथ, उस अबंडेंस के लिए जो आपकी लाइफ में कंटिन्यू फ्लो हो रहा है। अपने दोनों हाथ अपने हार्ट के ऊपर रखें, अपने हार्ट को एक अंदर उन फीलिंग्स को क्रिएट करें कि वो अबंडेंस, वो प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ चुकी है। और अपने हाथों को यूनिवर्स की तरफ ओपन करके छोड़ दें, उन वाइब्रेशंस को जाने दें यूनिवर्स में। एक इंटेंशन क्रिएट करें कि जो वाइब्रेशंस में यूनिवर्स में भेज रहा हूं, यूनिवर्स इनको कई गुना बढ़ाकर मेरे पास वापस भेज रहा है। ये एफर्मेशंस आपको रेगुलर रिपीट करनी है, स्पेशली दिवाली के समय, सो दैट यू कैन रीइंफोर्स योर पॉजिटिव बिलीव्स अबाउट मनी एंड अट्रैक्ट फाइनेंशियल अबंडेंस इनटू योर लाइफ। बिकॉज truly believing in these affirmations can enhance the effectiveness and the power of using them. slowly जहां पर आप बैठे हैं उस जगह को
फील करना शुरू करें, अपनी अवेयरनेस में वापस आना शुरू करें। धीरे धीरे अपने हाथों को रब करना शुरू करें। पुट देम ऑन योर आईज, ऑन योर फेस, और उस जो फीलिंग्स आपने क्रिएट की हैं उन फीलिंग्स में थोड़ी देर रहें। यह है मानकर कि आप प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस की एनर्जी के साथ अलाइन हो चुके हैं। एंड स्लोली ओपन योर आईज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड हैप्पी दिवाली टू यू इन एडवांस।